पिछले दिनों खबर आई थी कि आमिर खान ने सलमान खान को एक फिल्म ऑफर की है। सलमान भी आमिर के घर जाते दिखे थे। ये वही फिल्म है जो लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खुद शुरू करने वाले थे, स्पैनिश फिल्म कैंपियोनी का हिंदी रीमेक। मगर आमिर ने एक्टिंग से ब्रेक की घोषणा कर दी। अब वो ये फिल्म बतौर प्रोड्यूसर शुरू कर रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने सलमान खान को अप्रोच किया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो आमिर और सलमान जल्द ही ये फिल्म अनाउंस करने वाले हैं। आमिर खान ने कैंपियोनीज का हिंदी रीमेक सलमान खान को ऑफर किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म सलमान को सूट करेगी। स्पोर्ट्स फिल्म है जिसका इमोशनल एंगल मजबूत है। सलमान ने भी फिल्म में दिलचस्पी दिखाई, हालांकि वो आमिर को ही ब्रेक से वापस लाने की कवायद में लगे हुए थे। अब बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट में बताया है कि चीजें सही दिशा में बढ़ रही है। सलमान और आमिर दोनों ही इस फिल्म पर साथ काम करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई बैठकी हो चुकी है, शूटिंग स्केड्यूल से लेकर लोकेशन जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है ताकि जून 2023 से फिल्म की शूट शुरू की जा सके। हालांकि इस फिल्म का पेपर वर्क नहीं हुआ है, सलमान एक बार फाइनल नरेशन चाहते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आमिर खान अपने बर्थडे पर यह फिल्म अनाउंस करने की सोच रहे हैं। आमिर का जन्मदिन 14 मार्च को होता है। बताया जा रहा है कि आमिर इस फिल्म का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, सलमान सिर्फ एक्टर के तौर पर इस फिल्म से जुड़ेंगे। ये पहली बार ऐसे होगा जब सलमान आमिर के प्रोडक्शन की फिल्म करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के दूसरे हफ्ते में यह फिल्म ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी। सलमान किसी का भाई किसी की जान की शूट से फारिग हो गए हैं। इस फिल्म के लिए सलमान ने 105 दिन शूट की है, जो सलमान खान की एक्शन कॉमेडी फिल्म के लिहाज से बहुत है। खैर, अप्रैल मई तक टाइगर 3 का काम पूरा हो जाएगा। इसी दौरान शाहरुख खान भी फिल्म के लिए अपना कैमियो शूट करेंगे। उसके बाद सलमान खान कौन सी फिल्म शुरू करेंगे, ये फैंस के लिए बड़ा मसला था। चर्चा थी कि अली अब्बास जफर ने सलमान को एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म ऑफर की है, शायद वो उस पर काम शुरू करे। हालांकि अगर मार्च में आमिर फिल्म अनाउंस कर देते हैं तो सलमान टाइगर 3 के बाद कैंपियोनीज रीमेक ही चालू करेंगे। आपके लिए इस जानकारी को इकट्ठा किया है हमारे साथी श्वेतांक ने। कैमरा के पीछे है जतन, आप देख रहे हो ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।